चावल पहला अन्न था, शायद इसीलिए इसे पवित्र माना जाता है और इसकी धार्मिक महत्ता से भी हम सब परिचित हैं। देश के एक बड़े भूभाग पर चावल की खेती की जाती है। किसान जानते हैं कि चावल की खेती में उन्हें कितने श्रम की आवश्यकता पड़ती है। ये भी तथ्य है कि चावल की परंपरागत खेती में पानी की भी ज्यादा जरूरत होती है और किसान आमतौर पर बारिश के पानी पर ही निर्भर रहता है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित धान की खेती के लिए जो कृषि यंत्र विकसित किए गए हैं, ये छोटे एवं मध्यम वर्गीय किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं। अगर वे इनका उपयोग करते हैं तो कम समय में ही कृषि कार्य पूर्ण कर सकते हैं, जिससे उनके समय एवं धन की बचत होती है। शक्ति चलित 8 कतार सीडर का प्रयोग किसान अंकुरित बीजों की तैयार खेतों में बुआई के लिए कर रहे हैं। 5 HP डीजल इंजन से चलने वाली ये स्वचालित मशीन द्वारा गीली सीधी बुआई में कम समय एवं श्रम लगता है। इससे किसानों की लागत कम हो जाती है और कतार से धान की बुआई में खरपतवार निकालने में भी आसानी होती है। बीज सह उर्वरक बुआई यंत्र का उपयोग धान की सूखी बुआई के लिए किया जाता है। इस यंत्र से बीज की बुआई 5 सेंटीमीटर की गहराई पर की जाती है और प्लेट युक्त मापक प्रणाली से पौधे की 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बुआई की जाती है। धान की खेती में प्रयोग की जाने वाली एक अन्य मशीन है शक्ति चालित धान ट्रांसप्लांटर। इस मशीन द्वारा किसान नर्सरी में तैयार पौधों की रोपाई करते हैं। कम श्रम, कम समय और कम श्रमिकों की आवश्यकता ने इस मशीन को धान की खेती करने वाले किसानों में लोकप्रिय बनाया है। मशीन द्वारा अगर ये रोपाई करा जाता है तो फिर जैसे हमारा 10 लोग जहां 1 एकड़ में ज़रूरत पड़ता था रोपाई करने के लिए, वहां 2 लोग में हो जाता है। मशीन से करने से हमारा एक समान दूरी पर जो रोपाई हो पाता है, समान टाइम पर भी सारे पकवत आता है। किसान शक्ति चलित 1 कतार वीडर का प्रयोग कतार में बोई हुई धान की फसल के मध्य खरपतवार को निकालने के लिए कर रहे हैं। 1.5 हॉर्स पावर की इंजन वाली इस मशीन के प्रयोग से कम समय में धान के खेतों की निराई का काम आसानी से किया जा रहा है। किसान अच्छी गुणवत्ता का पार बॉइलिंग धान छोटी धान पार बॉइलिंग इकाई द्वारा कर सकते हैं। धान की इस इकाई को ड्रम में डालकर 3 घंटों तक गर्म किया जाता है, फिर 50 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। इस तरह एक बार में 75 किलो धान को तैयार किया जा सकता है। इस्तेमाल की जाने वाली एक अन्य मशीन है हस्क स्टोव। धान से निकलने वाली भूसी को स्टोव द्वारा अच्छी तरह से जलाकर घरों में खाना बनाना और अन्य कार्य किए जा सकते हैं। 2 किलोग्राम भूसी को एक बार स्टोव में भरने से ये 1 घंटे तक जल सकता है। आज किसान इस स्टोव का उपयोग कर रहे हैं और खास बात ये है कि इसमें से धुआं बिल्कुल नहीं निकलता। धान की कटाई किसानों के लिए अब तक एक श्रम साध्य काम रहा है। उनके इस श्रम को कम किया है फसल कटाई यंत्र यानी रीपर ने। इस यंत्र के सहारे किसान 1 हेक्टेयर की फसल की कटाई 3 से 4 घंटे में कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि काटी गई फसल को ये यंत्र 1 कतार में लगा देता है। इस यंत्र के लिए लागत 500 रुपए प्रति एकड़ है, लेकिन यदि 1 एकड़ की फसल को श्रमिकों के जरिए काटा जाए तो 2 गुना या 3 गुना खर्चा आता है। कंबाइन हार्वेस्टर इसी तरह का एक अन्य यंत्र है। इसके एक बार प्रयोग से फसल की कटाई, गहाई और सफाई का कार्य संपन्न हो जाता है। 65 हॉर्स पावर के इंजन वाले इस यंत्र की कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रति घंटा है। इस यंत्र का मूल्य 22 लाख रुपए है, लेकिन इसे किसान किराए पर भी ले सकते हैं। किसानों के लिए धान सफाई यंत्र भी काफी कारगर साबित हो रहा है। ये एक शक्ति चालित यंत्र है जिसमें 1 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। किसान गहाई की गई धान की सफाई यंत्र से करते हैं। इसकी कार्य क्षमता 500 किलोग्राम प्रति घंटा है।
और धान लगभग 100% साफ हो जाता है। इसकी कीमत 20,000 रुपए है। कोई मशीन बनाते ना, हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि महिला उसे कैसे आसानी से व्यवहार कर सकते, उनकी परिश्रम कैसे ज्यादा से ज्यादा कम हो, कम परिश्रम में ज्यादा काम, शरीर का वो हिस्सा जो जिस पे कम दबाव पड़े वो आसानी से उसको चलाकर अपना काम कम समय में ज्यादा कर पाए। यांत्रीकरण से धान की पैदावार और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है और किसानों की लागत भी कम हो जाती है। किसानों की आय बढ़ती है तो उनकी सोच बेहतर होती है। आज किसान इन यंत्रों का प्रयोग करके प्रगति के रास्ते पर चल रहे हैं और अच्छी गुणवत्ता वाला धान पैदा कर रहे हैं। जाहिर है, कृषि के मशीनीकरण ने किसानों को जीने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है।